तो कहानी की शुरुआत में एक वेडिंग दिखाई जाती है जिसमें दुल्हन ब्लैक ड्रेस पहनकर होती है और चर्च की दूसरी तरफ दूल्हा उसका इंतजार कर रहा होता है बिल्कुल नॉर्मल कपड़ों में। लेकिन यहाँ पर मौजूद लोगों में से कोई भी इंसान असली नहीं होता, वो बस मिट्टी के पुतले ही होते हैं। यहीं पर सीन शिफ्ट होता है और हमें ज़ेनिया नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो एक फैशन डिजाइनर है और यहाँ पर वो सोनिया नाम की एक लड़की की वेडिंग ड्रेस तैयार कर रही थी क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद सोनिया की विक्टर के साथ शादी होने वाली है। इसी के साथ हमें पता चलता है कि ज़ेनिया की एक बेटी भी है पॉलिना। यहाँ पर जब वो रो रही होती है तब विक्टर उसे शांत करता है और उसे संभालने लगता है। ये देखकर ज़ेनिया विक्टर से काफी इम्प्रेस्ड हो जाती है। इस वजह से रात के वक्त उसे अपने बॉयफ्रेंड किरिल की याद आने लगती है क्योंकि पॉलिना उसी की बेटी थी जिसे ज़ेनिया अकेले ही संभाल रही थी क्योंकि किरिल ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया था। इसीलिए रात के वक्त ज़ेनिया किरिल से मिलने उसके वर्कशॉप पर जाती है मगर यहाँ पर वो उसे किसी दूसरी लड़की के साथ देख लेती है जिसे ज़ेनिया को बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए यहाँ से चली जाती है। घर आकर वो किरिल ने बनाए हुए अपने स्केचेस देखकर रोने लगती है जिस पर उसकी मॉम उसे समझाती है कि तुम्हें उसे भुलाकर मूव ऑन कर लेना चाहिए क्योंकि उसे तुमसे कभी प्यार था ही नहीं। वैसे भी तुम जबरदस्ती किसी के मन में खुद के लिए प्यार नहीं जगा सकती, ऐसा तो बस ब्लैक मैजिक से ही हो सकता है जो कि आज के टाइम में इम्पॉसिबल है। अब यहाँ पर ब्लैक मैजिक वाली बात उन्होंने ऐसे ही बोली थी मगर ये बात ज़ेनिया के दिमाग में बैठ जाती है। वो अपनी मॉम से कहती है कि वो नहीं चाहती कि पॉलिना बिना बाप के बड़ी हो, इसीलिए वो किरिल को एक और मौका देना चाहती है। अगले दिन ज़ेनिया किरिल के पास जाकर उसे कहती है कि वो उसके पास वापस आ जाए और पॉलिना और उसे एक परिवार की तरह एक्सेप्ट कर ले, जिसके बदले में ज़ेनिया उसे इस बात की भी इजाजत देती है कि वो दूसरी लड़कियों के साथ भी अफेयर रख सकता है और जो चाहे वो कर सकता है। मगर किरिल यहाँ उसकी किसी भी बात को एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि उसके मन में ज़ेनिया के लिए फीलिंग्स ही नहीं बची थी, वो ज़ेनिया से कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता था। इस वजह से ज़ेनिया गुस्से में उसे मारने लगती है मगर किरिल उसे साइड में धक्का देता है और अपना खून साफ करके उसके मुंह पर फेंक कर यहाँ से चला जाता है। ज़ेनिया उस रुमाल को उठा लेती है और रात के वक्त ब्लैक मैजिक करने वाली एक औरत के पास जाती है। इसका नाम ऐजा होता है जो ज़ेनिया को देखते ही समझ जाती है कि उसे क्या परेशानी है और वो यहाँ पर किस लिए आई है। ऐजा कहती है कि अगर तुम्हें किरिल को वापस हासिल करना है तो तुम्हें उसे अपने वश में करना होगा, इसके लिए तुम्हें एक रिचुअल करना होगा। वो ज़ेनिया को कुछ सामान देती है जैसे कि दो कैंडल्स, नमक, मांस का एक टुकड़ा और एक पेपर जिस पर मंत्र लिखे हुए थे। ऐजा बताती है कि तुम्हें ये रिचुअल चर्च में जाकर करना होगा लेकिन एक ऐसे कपल की शादी के दौरान करना होगा जो कपल एक दूसरे से सच्चा प्यार करता हो और साथ ही किरिल के लिए भी तुम्हारा प्यार सच्चा ही होना चाहिए। इसी के साथ वो ज़ेनिया के हाथ पर एक कट लगाती है और उसके हाथ में मांस का एक टुकड़ा रख देती है क्योंकि उसका कहना था कि खून से ही ब्लैक मैजिक सबसे पावरफुल बनता है। इसके बाद अगले दिन ज़ेनिया सोनिया और विक्टर की शादी में पहुंच जाती है। यहाँ पर सोनिया को दिखाते हैं जिसे ओलेग नाम का लड़का मिलने की कोशिश करता है मगर सोनिया उसे यहाँ से जाने को कहती है क्योंकि ओलेग सोनिया से प्यार करता था। इसके थोड़े ही टाइम बाद वेडिंग सेरेमनी भी शुरू हो जाती है। वही दूसरी ओर एक कमरे में ज़ेनिया अपना रिचुअल करना भी शुरू कर देती है। वो दोनों कैंडल्स को आपस में मिला देती है जिसे किरिल और ज़ेनिया एक दूसरे से बन जाएंगे। वो मंत्र पढ़ते हुए अपना खून उसी रुमाल पर डालती है जिस पर किरिल का खून लगा हुआ था, जिसके बाद वो रुमाल को जलाकर मांस का एक टुकड़ा खा लेती है। मगर मांस खाते ही उसे बहुत अजीब सा महसूस होता है और उसकी तबीयत भी खराब होने लगती है। वही दूसरी ओर किरिल को दिखाया जाता है जिस पर ज़ेनिया के ब्लैक मैजिक का असर होने लग रहा था। इधर चर्च में सोनिया और विक्टर की शादी भी पूरी हो जाती है मगर तभी सोनिया की नाक से खून निकलने लगता है लेकिन विक्टर उसे संभाल लेता है। इसके बाद अब दूल्हा और दुल्हन का बाहर स्वागत हो रहा होता है तभी ज़ेनिया भी वहाँ पर आ जाती है और सबके सामने ही बेहोश हो जाती है क्योंकि उसकी तबीयत अब बहुत खराब हो चुकी थी। ये देखकर विक्टर उसे संभालने के लिए जाता है और अपने हॉस्पिटल में एडमिट भी करवाता है क्योंकि वो एक डॉक्टर है। वही सोनिया अपनी शादी खराब होने की वजह से उदास बैठी होती है तभी वहाँ ओलेग आकर उसे सहारा देता है। इधर जब ज़ेनिया को होश आता है तो वो विक्टर से माफी मांगती है क्योंकि उसकी वजह से ही सोनिया और उसकी शादी खराब हो चुकी थी, जिस पर विक्टर उसे आराम करने को कहता है। मगर जब विक्टर सोनिया के पास जा रहा होता है तब एक रूम में वो ओलेग और सोनिया को देखता है जो एक दूसरे से लिपटे पड़े थे, जिस पर उसे बहुत बुरा लगता है और सोनिया भी उसके सामने रोने लगती है क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। मगर विक्टर गुस्से में यहाँ से चला जाता है। इसके बाद रात के वक्त किरिल ज़ेनिया के पास आता है जो खुद भी बहुत बुरी हालत में लग रहा था। वो ज़ेनिया से माफी मांगकर फिर से उसके साथ रहने को कहता है, जिसे ज़ेनिया भी उसे माफ कर देती है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और किरिल उसे अपनी बाहों में उठाकर हॉस्पिटल से अपनी वर्कशॉप में ले जाता है। यहाँ दोनों एक दूसरे को अपना प्यार जताते हैं और एक अच्छा वक्त बिताते हैं। अगली सुबह किरिल ज़ेनिया के स्केचेस बनाता है और फिर मिट्टी से उसकी मूर्तियां भी बनाने लगता है। उसे ज़ेनिया बहुत खूबसूरत लगने लग रही थी और वो इतना उसके प्यार में डूब चुका था कि वो ज़ेनिया को काम पर भी ना जाने को कहता है। किरिल ज़ेनिया के प्यार में इतना डूब चुका होता है कि वो अपनी बेटी पॉलिना को भी दूर कर देता है, उसे उसकी भी कोई परवाह नहीं रही।
थी। शाम के वक्त जब सैन्या काम पर जाती है तो वहाँ उसकी मुलाकात सोनिया से होती है, जो अपनी वेडिंग ड्रेस वापस करने आई थी। मगर वो सैन्या को देखते ही उसे गुस्से में भला बुरा कहकर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसकी वजह से ही विक्टर और सोनिया की शादी टूट चुकी थी। इस वजह से सैन्या को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो आयजा को कॉल करती है, मगर उसका कॉल नहीं लगता। बस उसे एक अजीब सी आवाज आती है कि वो अब तुम्हारा है। तभी उसका पेट दुखने लगता है और उसे एक अजीब सी हंसने की आवाज आती है। सैन्या जब वहाँ चेक करने के लिए जाती है तो वहाँ एक औरत दिखाई देती है जो सोनिया की ड्रेस ही पहने हुए थी, जिससे सैन्या बहुत ही ज्यादा डर जाती है। रात को जब सैन्या घर आती है तो यहाँ पर उसे ना ही पॉलिना दिखती है और ना ही किरिल, जिससे वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। सैन्या जब किरिल के वर्कशॉप पर जाती है तो यहाँ पर उसे पॉलिना एक जगह पर रोते हुए मिलती है, जिस पर जब सैन्या किरिल से पूछती है कि तुमने पॉलिना को यहाँ पर क्यों रखा, तो किरिल का नेचर यहाँ पर एकदम से बदल जाता है। वो कहता है कि हमें इन बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, मैं तुम्हें किसी के साथ नहीं बांट सकता, तुम बस मेरे साथ ही रहो। और अगले ही पल वो सैन्या को गले लगा लेता है। इसके बाद अगले दिन जब सैन्या काम पर होती है तब वहाँ विक्टर भी आता है, जो ड्रेस के पैसों को वापस नहीं लेना चाहता था, उन्हें वो सोनिया को ही देने को कहता है। वही सैन्या उसे सोनिया के बारे में पूछती है और दोनों ऐसे ही बातें करने लगते हैं। विक्टर यहाँ पर सैन्या ने बनाई हुई ड्रेसेस को देखकर काफी इम्प्रेस्ड हो जाता है। विक्टर उसके हाथों को अपने हाथ में लेकर सैन्या से कहता है कि तुम अपने काम से कितना प्यार करती हो, तुम्हारे हाथों में एकदम जादू है जादू। ये कहकर वो साइड में चला जाता है, मगर तभी सैन्या देखती है कि कोई दूसरा हाथ उसे पकड़े हुए था, जिससे वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और फिर से उसके पेट में दर्द होना भी शुरू हो जाता है। ये देखकर विक्टर उसे संभालता है और घर छोड़ने के लिए अपनी गाड़ी में बिठाता है, मगर तभी किरिल भी वहां पर पहुंच जाता है, जो विक्टर को मारने लगता है, क्योंकि सैन्या का विक्टर के साथ होना उसे सहन नहीं हुआ था। विक्टर भी उसे अच्छे से धो देता है। तभी सैन्या दोनों का झगड़ा छुड़वाती है और उसे बताती है कि वो तो बस उसकी मदद कर रहा था, क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो गई थी। किरिल ऐसा करने के लिए सैन्या से माफी मांगता है, जिसके बाद सैन्या उसे अपनी मॉम के घर चलने को कहती है, जहाँ से उसे पॉलिना को लाना था। मगर किरिल उनके यहाँ ना जाकर सैन्या को अपने घर उसके मॉम डैड से मिलाने के लिए ले जाता है और उन्हें बताता है कि पहले उनका रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा था, मगर अब वो सैन्या से शादी करना चाहता है। लेकिन यहाँ पर सैन्या को नहीं पता होता कि किरिल ने इस बात के लिए उसे यहाँ पर लाया है। इस वजह से वो कहती है कि उसे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, लेकिन किरिल सैन्या से इतना ऑब्सेस्ड हो चुका था कि वो सब कुछ अभी ही करना चाहता है। वो अपनी मॉम से उनकी रिंग मांगता है, क्योंकि उसे वो सैन्या को पहनानी थी, लेकिन उसकी मॉम रिंग देने से मना कर देती है, जिस वजह से किरिल गुस्से में उसकी मॉम की उंगली काट कर रिंग को निकाल लेता है। उसके डैड भी उसे रोकने के लिए जाते हैं तो वो उन्हें भी मारने लगता है, जिससे सैन्या बहुत ही ज्यादा डर जाती है। और अब किरिल वो खून से भरी हुई रिंग सैन्या को पहना देता है। तभी किरिल के डैड उसके सर पर वार करते हैं और सैन्या को यहाँ से भागने को कहते हैं। सैन्या भी वैसा ही करती है, मगर वो भाग नहीं पाती क्योंकि किरिल ने गेट्स को लॉक कर दिया था। हालांकि यहाँ पर वो सैन्या को कोई भी चोट नहीं पहुंचाता, क्योंकि उसे वो प्यार करता है। वो सैन्या को अपनी बाइक पर बिठाकर अपनी वर्कशॉप पर ले जाता है, क्योंकि किरिल ने पॉलिना को यहीं पर रखा था। उसने सोचा नहीं था कि किरिल उसकी बेटी का ध्यान इस तरह से रखने वाला है, जिससे सैन्या बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। सैन्या किरिल से दूर भागने की कोशिश करती है, पर किरिल उसे रोक लेता है और कहता है कि हम दोनों के बीच अब कोई नहीं आ सकता, बस तुम और मैं, आखिर यही तो तुम्हें चाहिए था। जिस पर सैन्या किरिल से कहती है कि मैंने तुम पर ब्लैक मैजिक किया था ताकि तुम मुझे प्यार करने लगो, लेकिन मैंने ऐसा तो कभी नहीं सोचा था। अब यह सुनकर किरिल गुस्से में आ जाता है और सैन्या का सर दीवार पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। थोड़े टाइम बाद जब सैन्या को होश आता है तो वो खुद को बाथटब में मिट्टी से भरी हुई देखती है। वही पॉलिना जोर जोर से रो रही होती है, क्योंकि किरिल उसके ऊपर भी वही मिट्टी का मिक्सचर डाल रहा होता है। तभी चुपके से सैन्या किरिल के सर पर वार करती है और पॉलिना को लेकर यहाँ से भागने लगती है। वही सैन्या एक लड़की से कार में लिफ्ट मांगती है, क्योंकि किरिल भी अब उसका पीछा कर रहा था। किरिल बाइक लेकर उसके पीछे पड़ जाता है और उस लड़की से गाड़ी रोकने को कहता है, मगर वो लड़की कार की स्पीड बढ़ाती है और एक डिवाइडर के आते ही वो लड़की अपनी कार दूसरी लेन में डाल देती है, जिससे वो सैन्या को किरिल से बचा लेती है। इसके बाद सैन्या सीधा विक्टर के घर पर जाती है, जो उसकी मदद करता है। और अगली सुबह विक्टर सैन्या को यहीं पर रुककर आराम करने को कहता है, उसके लिए उसने खाना भी बनाकर रखा होता है। विक्टर को बहुत सारा काम होता है, इसलिए वो जल्दी से हॉस्पिटल में चला जाता है। यहाँ पर हॉस्पिटल में सोनिया विक्टर से मिलने के लिए आती है, वो उसे माफी मांगती है और उसे एक और मौका देने को कहती है, मगर विक्टर उसे ना ही माफ करता है और ना ही कोई मौका देने के बारे में सोचता है। वो बिना कुछ बोले ही लिफ्ट में चला जाता है। यहाँ लिफ्ट में एक डेड बॉडी को ले जा रहे होते हैं और विक्टर जब उसे देखता है तो वो किरिल ही होता है, क्योंकि कल रात डिवाइडर के साथ टकराने से किरिल का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें वो नहीं बच पाया। वहीं दूसरी ओर विक्टर के घर पर सैन्या को कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती है। बाथरूम में चेक करने के लिए जाती है तो उसे यहाँ पर किरिल दिखाई देता है, जिसने पॉलिना को अपनी गोद में उठाया हुआ था। और तभी एकदम से दरवाजा बंद हो जाता है और सैन्या लॉक हो जाती है। लेकिन जैसे तैसे जोर लगाकर सैन्या बाहर आती है और सबसे पहले पॉलिना को उठा लेती है, जो बिल्कुल सही सलामत होती है। लेकिन इस इंसिडेंट की वजह से वो बहुत डर गई थी। तभी यहाँ पर विक्टर भी आ जाता है, जिसे सैन्या किरिल के बारे में बताने लगी रही होती है कि विक्टर उसे कहता है कि किरिल मर चुका है। उसे
यकीन नहीं होता, इसलिए विक्टर उसे हॉस्पिटल में ले जाता है। यहाँ पर किरिल की डेड बॉडी देखकर सिन्या को बहुत दुख होता है और वो रोने लगती है। वो विक्टर से उसे कुछ देर यहाँ पर अकेला छोड़ने को कहती है और उसके जाने के बाद सिन्या किरिल से माफी मांगती है। वो कहती है कि ये सब मेरी ही गलती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी खोना नहीं चाहती थी। लेकिन तभी किरिल उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने साथ अंदर ले जाता है। उसकी डेड बॉडी जागने लगती है, जिससे डर के मारे सिन्या जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वो जैसे तैसे ठोक पीट कर यहाँ से बाहर निकलती है, लेकिन ये मंजर सिन्या के लिए बहुत ही ज्यादा डरावना होता है। वो विक्टर को भी इसके बारे में बताती है, मगर उसका कहना था कि ये सब स्ट्रेस की वजह से ही उसे दिख रहा है, इसलिए उसे वो आराम करने की सलाह देता है। तभी सोनिया भी वहाँ पर आ जाती है और दोनों को साथ देखकर सिन्या को ताने मारने लगती है, इसलिए सिन्या उसे सॉरी कहकर यहाँ से बाहर चली जाती है। जिस पर विक्टर सोनिया को बताता है कि आज ही उसके हस्बैंड की डेथ हुई है और तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। इसके बाद सिन्या पॉलिना को अपनी मॉम के पास छोड़ देती है और विक्टर के साथ उसी ऐजा नाम की औरत के पास जाती है, जिसने ब्लैक मैजिक के बारे में सिन्या को बताया था। इसी दौरान सिन्या विक्टर को उसकी शादी के दौरान किए गए रिचुअल के बारे में बताती है और उससे माफी मांगती है, क्योंकि अब सिन्या को अपने किए पर बहुत ही ज्यादा पछतावा हो रहा था। विक्टर भी उसे माफ करके दिलासा देता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोनों ऐजा के पास आते हैं, जहाँ पर ऐजा उन्हें बताती है कि ये गलती अब ऐसे ठीक नहीं होगी, इसके लिए तुम्हें अपनी सोल को ही कुर्बान करना होगा, क्योंकि वो डीमन ऐसे तुम्हें माफ तो नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हें पहले ही बताया गया था कि ये रिचुअल सच्चे प्यार करने वाले कपल की शादी में ही होना चाहिए। मगर विक्टर और सोनिया एक दूसरे से सच्चा प्यार नहीं करते थे, इसलिए अब विक्टर ही इसमें तुम्हारी मदद कर सकता है। लेकिन विक्टर को ऐसी बातों पर यकीन नहीं होता, मगर ऐजा उसे अपनी बातों से मना लेती है और सिन्या की वजह से भी वो मान जाता है। ऐजा सिन्या को बाहर भेजकर विक्टर के ऊपर मंत्र पढ़ने लगती है। थोड़ी ही देर के बाद वो डीमन वहां पर आ जाता है और विक्टर के शरीर में प्रवेश कर लेता है। ऐजा सिन्या को अंदर बुलाकर उस डीमन से पूछती है कि आप सिन्या को क्यों परेशान कर रहे हो, जिस पर वो डीमन कहता है कि मुझे उसकी आत्मा चाहिए, क्योंकि मुझे उसने वादा किया था। पहली कैंडल मेरी थी और दूसरी उसकी, दोनों एक दूसरे के साथ बंधे हुए थे और हम लोगों को अब कोई अलग नहीं कर सकता। तभी वो डीमन शीशा तोड़कर कांच से विक्टर का गला काटने लगता है, लेकिन सिन्या उसे रोक लेती है, जिससे वो अब उसे भी मारने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है जो ऐजा की माँ होती है। वो मंत्र पढ़ने लगती है और विक्टर के शरीर से डीमन को भगा देती है। लेकिन अब विक्टर होश में आने के बाद सिन्या को ही ब्लेम करता है ये जो कुछ यहाँ पर हो रहा है उस सब के लिए, और कहता है कि ये सब तुमने शुरू करके बहुत बड़ी गलती की है, तुम्हारी ही वजह से किरिल की जान चली गई। और अब वो सिन्या की कोई भी मदद करने से उसे मना कर देता है और विक्टर अपनी कार लेकर यहाँ से चला जाता है। वही सोनिया हॉस्पिटल में विक्टर का ही वेट कर रही होती है, उसके साथ ओलेग भी होता है। तभी विक्टर भी यहाँ पर पहुंच जाता है और वो सोनिया से अकेले में कुछ बात करना चाहता था, इसलिए वो ओलेग को बाहर जाने को कहता है। उसके जाने के बाद विक्टर सोनिया से कहता है कि उनकी शादी का कोई मीनिंग नहीं था, क्योंकि दोनों बस प्यार का झूठा दिखावा ही कर रहे थे, इसलिए उनकी शादी टिक नहीं पाई। साथ ही वो कहता है कि उन्हें सिन्या की मदद करनी चाहिए, क्योंकि उसे लगता है कि इसमें थोड़ी सी गलती उनकी भी है झूठे प्यार की। ये सुनकर सोनिया गुस्से में उठकर यहाँ से चली जाती है, लेकिन तभी उसे वो डीमन दिखाई देता है जिससे वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है, जिसकी आवाज से विक्टर और ओलेग भी यहाँ पर आ जाते हैं। वही दूसरी ओर ऐजा की माँ सिन्या को बताती है कि ऐजा ने कई बुरी आत्माओं से सौदे किए थे, जिस वजह से वो उस डीमन की कर्जदार बन चुकी थी, इसलिए उसने सोचा था कि वो सच्चे प्यार के चढ़ावे देकर बच जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पर अब ये सब रोकने के लिए उसे स्पेल को रिवर्स करना होगा, तभी उस डीमन से बचा जा सकता है। ऐजा की माँ उसे बताती है कि उस शादी में जो लोग मौजूद थे उन्हीं के साथ ये रिचुअल फिर से तुम्हें दोहराना होगा, लेकिन सब लोग अपनी मर्जी से वहाँ पर आने चाहिए, ना कि जबरदस्ती। वैसे भी तुम जबरदस्ती करने का नतीजा तो देख ही चुकी हो। इसके बाद सिन्या रिचुअल का सामान लेकर चर्च पहुंच जाती है। वो रिचुअल की तैयारी करने ही लगती है, तभी उसे अजीब सी आवाजें आने लगती है और वो देखने के लिए जाती है तो वो डीमन उस पर हमला कर देता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है और वो तड़पने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर ऐजा की माँ आ जाती है, जो कुछ मंत्र पढ़कर डीमन को वहाँ से भगा देती है। और उसी वक्त विक्टर, सोनिया और ओलेग भी पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो सिन्या की मदद करेंगे। अब ऐजा की माँ विक्टर और सोनिया को आगे खड़ा करती है, जैसा वो दोनों शादी के दिन खड़े थे। फिर सिन्या कैंडल्स को अलग करते हुए कहती है कि अब हम लोग अलग होना चाहते हैं, खून से खून तक। लेकिन इसमें उसे बहुत दर्द होना शुरू हो जाता है, वो दर्द से तड़पने लगती है और साथ ही हवा में उठकर सीधा नीचे गिरती है, जिससे उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। वही दूसरी ओर सिन्या की मॉम देखती है कि पॉलिना यहाँ से गायब हो चुकी है, और तभी उन्हें किरिल की आत्मा दिखाई देती है। इधर चर्च में सोनिया वो कैंडल्स लेकर बहुत अजीब तरह से हंसने लगती है, क्योंकि अब वो डीमन उसके अंदर आ चुका था, इसलिए अब वो विक्टर पर अटैक कर देती है और ऐजा की माँ को भी दूर फेंक देती है। तभी ओलेग उसे विक्टर से दूर करता है और यहाँ पर दोनों उसे पकड़ लेते हैं। और फिर ऐजा की माँ अपनी स्टिक लेकर फिर से मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है, जिससे वो डीमन बाहर निकल जाता है। लेकिन अब सोनिया के मुंह से सिन्या की मॉम की आवाजें आने लगती है, जो पॉलिना को ढूंढ रही थी। वो कहती है कि पॉलिना गायब हो चुकी है। ये सुनते ही सिन्या और विक्टर पॉलिना को ढूंढने के लिए उसके मॉम के घर पर निकल जाते हैं। उन्हें यहाँ पर एक मास्क मिलता है, जिससे वो समझ जाती है कि पॉलिना कहाँ पर है।
दोनों जल्दी से किरिल के वर्कशॉप में जाते हैं। यहाँ पर उन्हें ज़ेन्या की माँ एक चेयर पर बैठी हुई दिखती है और उनके पैर में कीले ठोकी गई थी। तभी उन्हें पॉलिना की आवाज सुनाई देती है, इसलिए विक्टर यहीं पर रुक जाता है और ज़ेन्या पॉलिना की आवाज को फॉलो करती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ अजीब से साये उसका पीछा कर रहे थे। तभी एक टेबल के नीचे उसे अपनी मॉम और पॉलिना दिख जाते हैं, लेकिन इससे वो समझ जाती है कि विक्टर की जान अब बहुत खतरे में है, क्योंकि दूसरी ओर वो एक डीमन है। वही दूसरी ओर विक्टर को भी किरिल का भूत दिख जाता है जो उसे उठाकर फेंक देता है। विक्टर भी पत्थर से उसका सर फोड़ देता है, मगर वो शैतान बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, वो विक्टर को मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर ज़ेन्या आ जाती है और उसे कहती है कि तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी, और अब तुम मेरी आत्मा भी ले लो, जिस पर किरिल विक्टर को छोड़कर यहाँ से गायब हो जाता है। तभी एक टब में ज़ेन्या को बबल्स दिखाई देते हैं, जिससे वो समझ जाती है कि उसे अब क्या करना है। वो विक्टर को किस करके एक टब में लेट जाती है। इस दौरान उसे कुछ विजन दिखते हैं जिसमें वो विक्टर और पॉलिना के साथ होती है, एक फैमिली की तरह, और इसी के साथ ज़ेन्या अपनी आत्मा को उस डीमन को सौंप देती है और वो टब में पूरी तरह से समा जाती है। और इसके बाद वही सीन दिखाया जाता है जो कहानी की शुरुआत में हमने देखा था। ब्लैक ड्रेस पहने हुए एक दुल्हन जा रही थी जो और कोई नहीं बल्कि ज़ेन्या ही थी। उसके हाथ में वही दो मिक्स हो चुकी कैंडल्स थी, जिसका मतलब था कि उसका स्पेल रिवर्स ही नहीं हुआ था, और आखिर में उसे अपनी आत्मा को उस डीमन के हवाले करना पड़ा। वही वो डीमन किरिल के रूप में यहाँ पर हमें खड़ा दिखता है, जिसकी अब ज़ेन्या से शादी होगी। और इसी के साथ ये मूवी और इसकी कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। जो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताओ। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।